जी आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और स्नैक जिसका नाम है बारबेक्यू हनी विंग्स। इसके लिए आपको चाहिए होंगे विंग्स के पीसेस। देखें, काफ़ी बहनों ने कंप्लेन की कि जब वो चिकन को बनाते हैं तो उसमें से ब्लड ऊज आउट होता है, तो इसका काम यहाँ पर मैं कर चुकी हुई हूँ। चिकन को आप जब विंग्स को वॉश कर लेते हैं फ्रेश पानी में, आप इसको डाल करके रखेंगे ताकि पानी काफ़ी ऊपर होना चाहिए, और ऊपर नमक डालकर इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। उससे ही होता है कि आपका चिकन अंदर से सॉफ्ट हो जाता है कुकिंग के टाइम पे, और ऊपर से क्रिस्प होगा और इसकी ब्लड की ऊजिंग स्टॉप हो जाती है। आपको ये टिप आज दे दी, तो ये हो गया चिकन के विंग्स। यहाँ पे जो इसमें मसाले जाएंगे उसके लिए आपको चाहिए प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, लाल मिर्चों का पाउडर दैट्स रेड चिली पाउडर, गार्लिक पाउडर आपको चाहिए यानी कि लहसुन का पाउडर दैट्स सॉल्ट दैट्स नमक, पेपरिका पाउडर आपको आसानी से बॉटल्स में मिल जाता है, फ्रेश आपको चाहिए होगा क्रश्ड ब्लैक पेपर यानी कि पिसी हुई काली मिर्चें, और जो इसका हमने इस पर कोटिंग करनी इसका नाम बारबेक्यू हनी है, तो इसलिए बारबेक्यू का सॉस आपको चाहिए रेडीमेड, हनी आपको चाहिए होगी। इसके लिए आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। एक बोल लेंगे, उसमें आप डालेंगे जो कि आपका प्लेन फ्लावर है यानी कि मैदा चला गया, पिसी हुई लाल मिर्चें, गार्लिक पाउडर, पेपरिका पाउडर, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें। अच्छी तरह इसको पहले मिक्स करते हैं और फिर आपको नेक्स्ट दिखा। अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए एक बेकिंग ट्रे चाहिए होगा जिसपे मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है बेकिंग पेपर, पार्चमेंट पेपर, ग्रीस पेपर, जो आपके पास में वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और उसके बाद ईच पीस आप लेंगे विंग्स का और इसके अंदर इसको अच्छी तरह आपने कोट करना है इस तरह, और जो एक्स्ट्रा है आप हल्का सा साइड पे यूं कर झाड़ेंगे और इनको यूं जो हमने बेकिंग पेपर लगाया हुआ है उस पर आप इसको यूं रख देंगे। आपने इनको लाइन अप कर लेना है। अगर आपके पास काफ़ी बड़ा है बेकिंग ट्रे तो आप कर सकते हैं, वरना आप इसको 2 बैचेस में कर लेंगे। अवन को आप प्री हीट कर लेते हैं 475 फ़ारेनहाइट 240 सेंटीग्रेड गैस मार्क 9 पर। ये काफ़ी हाई में पकता है, लेकिन अगर आपको लगे कि अंदर से चिकन कच्चा है या जल रहा है जल्दी, तो आप इसका टेम्परेचर आहिस्ता भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको टिप स्टार्ट में दे दी है कि इसकी कुकिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, मॉइस्ट बनेगा अंदर से ऊपर से क्रिस्प, क्योंकि हमने इसे नमक के पानी में भिगो करके रखा था, तो इसे बेक करेंगे हम 45 मिनट्स के लिए यानी कि 45 मिनट के लिए। और 45 मिनट्स के आधे में आपने आकर के इसकी जो है साइड्स चेंज करनी है, तो वो मैं आपको आगे दिखा दूंगी। लेकिन हम इसको बेक करेंगे 45 मिनट्स, रिपीटिंग अगेन के बीच में 45 मिनट्स के आधे में आपने साइज चेंज करें। इसके बाद आप इनके साइज को चेंज करेंगे। देखें जो मैंने इस्तेमाल की ये काफ़ी जो है भारी पीसेज हैं, आप देख सकते हैं कि दे क्वाइट हेल्दी है। तो यहाँ पर ये कि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आपके थोड़े से पतले हैं या छोटे छोटे पीसेज हैं तो फिर आपका जल्दी कुक हो जाएगा। इसके साइज जो है चेंज कर लेते हैं और दोबारा आप इसको बेक करने के लिए अवन में रख देंगे फॉर फर्दर 23 मिनट्स के लिए। ये आपके लिए टाइम है, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें आपको बता दिया कि काफ़ी मुझे जो है हैवी पीसेस मिले हैं इसके, इन्हें विंग्स जो होते हैं इसके आगे का पीस होता है, इन्हें एक्चुअली ड्रमेट्स कहा जाता है, आई एम सॉरी। तो आप ड्रमेट्स भी कर सकते हैं या फिर विंग्स जो इसके आगे का हिस्सा होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स कर लें जो आपकी मर्जी है। इन्हें बेक कर लेते हैं फिर आपको आगे चुका है परफेक्टली बेक। अब हम जो है इसके ऊपर जो हमने कोटिंग लगानी उसकी तैयारी कर लेते हैं। आपको चाहिए एक बोल, उसमें आप डालेंगे जो कि है बारबेक्यू सॉस, बीच में जाएगा हनी, और इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद आप क्या करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे बेक्स चिकन है आप तमाम पीसेस को उठाएंगे और इसे जो है इस सॉस में डालकर अच्छी तरह इवनली मिक्स कर लें। कोट हो जाने के बाद आपको दोबारा इसको इस पर डालना है और इसको अवन में बेक करना है फॉर अबाउट 8 मिनट से लेके 10 मिनट के लिए, जब तक ये कैरमलाइज हो जाते हैं। तो ये परफेक्टली तैयार हैं। अब इसे हम कर लेते हैं डिश। आपके होममेड बारबेक्यू एंड हनी के विंग्स हैं, सर्व करते हैं आप इसको फ्राइज के साथ में। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट जिसको quickfaza.net पर। जरूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।